आखिर दिल नहीं है तो इनकार। तो ये वजह थी तुम्हारे इनकार की, तुम्हें शर्म नहीं आती? मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। मरोगी तो तुम जरूर, और वो भी मेरे हाथों। बाहर दुआ करवाने के लिए कह रहे हैं, पता नहीं कहाँ रह गया बाबर। अल्लाह खैर करे, आजकल रोज ही कुछ बुरा हो रहा है इसके साथ। भाई आप कहाँ रह गए थे, अम्मी इतना परेशान हो। ये लड़की कौन है भाई? ये इसका नाम हिरम है, और मैंने हिरम से निकाह कर लिया। क्या ये क्या बकवास कर रहा है तू बाबर? बकवास नहीं कर रहा चाचू, यही सच है। आज अब्बू का 40वां है, आप इस लड़की को यहाँ खड़ा करके कह रहे हैं कि आपने निकाह कर लिया इससे, ये भी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे? लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। आप लोगों की ज़बान बंद तो नहीं कर सकते यार, मैं बहुत मजबूर था। क्या ऐसी भी क्या मजबूरी कि तुमने आज के दिन निकाह कर? पर अभी तो तुम्हारे बाप की कब्र की मट्टी भी नहीं सूखी और तुमने निकाह कर लिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। चाचू आप मेरी बात तो सुने। क्या आप कहने और सुनने के लिए बाकी बचा क्या? भूल गए तुम कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे पाला इस दिन के लिए? आज तो भाई साहब की रूह तड़प रही होगी। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि उनकी रूह तड़पेगी, कोई गुनाह नहीं किया मैंने चाचू। एक यतीम बेसहारा लड़की को सहारा दिया, जिसका मुझ पर एहसान था, मुझ पर क्या बल्कि हम सब पर एहसान था। आप जानते हैं अस्पताल के पैसे किसने दिए थे? इरम ने। तो आज ही का दिन मिला था आपको सारे एहसानात उतारने के लिए? मैं जानता हूँ ये वक्त और मौका नहीं था ये सब करने का, लेकिन मैं मजबूर था, मैं क्या करता। अगर आप लोगों को मेरा ये फैसला मंजूर नहीं है तो ठीक है, मैं ये घर छोड़ के चला जाता। चलो इरम। रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगे। ये लड़की इस घर की इज्जत है, अब तुम यहीं रहोगे। भाभी जी आप अंदर ले जाओ इसे। आज कितनी आसानी से उसने कह दिया ये लड़की आपके घर की इज्जत है। तो अबू ताईजान इस मौके पर और क्या कहती? मैं मुंह तोड़ के जवाब देना चाहिए था उसे ना, खुदसर बना दिया बाबर को, किसी की सुनता ही नहीं है। आज के दिन का भी लिहाज नहीं किया और शादी रचा ली, और फिर भी भाभी साहिबा चुपचाप देखती रही तमाशा। अबू आप तो जानते हैं बाबर को, अगर वो घर छोड़ के जाता तो मसला और मजीद बिगड़ जाता, और वैसे भी शादी करना कोई गुनाह नहीं। क्या था तूने, यानी कि तेरा मतलब है जो कुछ उसने किया सही है? ना पूछा ना बताया, पता नहीं कौन लड़की है कहां से उठा के ले आया। अब वो जो भी हो, अब वो उसकी बीवी है और आपकी बहू। ना भाई ना, मेरी कुछ नहीं लगती, वो बहू होगी भाभी साहिबा की, और वैसे भी भाई साहब के पास मेरा उस घर में कुछ बचा ही नहीं है। मैं आज के बाद उस घर के मामलात में नहीं बोलूंगा। नहीं भाई नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप, अब आप इस घर के बड़े हैं। ना ना भाई ना, इस घर की बड़ी वो है जिनके पैसे चलते हैं उस घर में, अपनी औलाद को बर्बाद करके रख दिया, भाई साहब को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, और मेरा भाई यही दुख लिए इस दुनिया से चला गया। पता नहीं उस घर से और कितने दुख देखने पड़ेंगे। कसम खुदा का क्या समाना आ गया।
अचानक आया और कहा ये आपकी बहू है, मान लो। मैं तो नहीं मानता भाई। मुझे आपसे बात करनी थी अम्मी। जो करना था तुमने कर लिया, अब क्या बात रह गई है करने के लिए? मैं समझ सकता हूँ आपके दिल पर क्या गुजर रही है, लेकिन मेरी बात का यकीन करें, मैं मजबूर था। क्या मजबूरी थी? माँ को बताना तो दूर की बात है, बाप के 40वें के दिन का भी तुमने ख्याल नहीं किया? पता नहीं कौन से खानदान की कैसी लड़की को शादी करके घर ले आए। उसका कोई खानदान नहीं है, यतीम है बेचारी। वो यतीम है, तुम तो नहीं हो। मुझसे बात तो कर सकते थे, तुम्हें क्या लगता था मैं तुम्हें समझती नहीं या तुम्हारा साथ नहीं देती? कोई अच्छा सा मौका देख के चार लोगों के सामने इज्जत से तुम्हारी शादी करवाती। वक्त ही तो नहीं था मेरे पास अम्मी, मेरी बात का यकीन कीजिए। आज से पहले, इस शादी से पहले मेरा उसके साथ ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था। उसकी तो बल्कि मंगनी हुई हुई थी, बस वो मेरे साथ काम करती थी और जब मेरे साथ बैठी थी तो उसका मंगेतर आ गया। उसको ना जाने क्या लगा, आकर उसे कत्ल की धमकियां दे रहा था। अब आप बताइए इन हालात में मैं क्या करता? अगर उसको उसके घर भेज देता तो उसके घर वाले उसकी जान ले लेते, अगर उसे अकेला छोड़ देता तो वो अपनी जान खुद ही ले लेते। बताइए, मैंने सिर्फ उसकी जान बचाई, कुछ गलत किया मैंने? खुश रहो, अपनी नई जिंदगी का आगाज करो। बस मुझे डर है किसी गहरी उलझन में ना फंस जाओ तुम, ध्यान रखना। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मुझे। बस आपसे यही कहना था कि अब अगर वो इस घर आई गई है तो आप उससे प्यार से बात करें, उसे एक मौका देकर देखें। प्लीज प्लीज बैठ जाओ। समझ में नहीं आ रहा बात कहां से शुरू करूं, कैसे करूं। मैं जानता हूं तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा, आज तुम पहली बार घर आई हो और आते ही मेरे घर वालों ने तुमसे बहुत बुरे से बात की, लेकिन इसमें उनका कसूर नहीं। पिछले कुछ ही अरसे में हम सबने इतने दुख देख लिए कि शायद ये सब बात हजम नहीं हो सकी। पहले चिंता के भागने की वजह से और फिर उसके सदमे में अब्बू के गुजरने की वजह से। अबू का चेलम है और हमें अपनी मजबूरी की वजह से शादी करनी पड़ गई। क्या वो इसी घर में रहेंगी? हाँ ना बेटा, वो भाभी हैं तुम्हारी, सब मिलके रहेंगे हम। ना घर सजाया ना बारात गई, हमें हसन भाई की शादी में कितना मजा आया था। उनकी दुल्हन लेने हम बस में गए थे, भाई की दुल्हन लेने हम क्यों नहीं गए? हम
बेटे हम और कामों में मसरूफ हो गए थे ना, अबू का 40वां था, इस वजह से तुम चलो जाओ स्कूल का काम करो, कल स्कूल जाना है, इतना ज्यादा होमवर्क है। क्या आज के दिन भाई को ये सब कुछ करना चाहिए था? यकीन नहीं आ रहा कि इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हैं भाई। खामोशी से निकाह ही तो किया है। इतनी खामोशी से कि माँ तक को बताना मुनासिब नहीं समझा। तुम्हारा भाई बड़ा हो गया है, खुद मुख्तार है, निकाह करना चाहता है उसका पूरा हक है। फिर इरम उसे पसंद है, अगर उसे खुश रख सकती है तो हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब भाई ने जो किया वो सब ठीक किया? कुछ ऐसा गलत भी नहीं किया। ये सब कुछ सही है तो फिर जो आप ही ने किया वो क्या था? उन्हें भी अपनी जिंदगी का फैसला लेने का पूरा हक था, उन्होंने भी निकाह ही किया था, फिर उनसे इतनी नफरत की? कोई माँ बाप अपनी औलाद से नफरत नहीं करते। ये तो माशरा है जो बातें सुना के ताने दे के आपको मजबूर कर देता है, अपनी इज्जत बचाने की खातिर कड़वा घूंट पीना पड़ता है। माशरा, लोग, इज्जत, अब कहाँ गई ये चीजें? अब तो किसी ने बातें नहीं मनाई, किसी ने ताने नहीं दिए, भाई को अपनी बीवी के साथ रहने के लिए जगह भी मिल गई। उसका इरम का आगे पीछे कोई भी नहीं है, वो लावारिस है बेचारी। बेटियां तो फिर लावारिस ही हुई ना, माँ बाप के सर पे ना होते हुए भी और माँ बाप के सर पे होते हुए भी, जैसे आप भी। लेकिन अब तुम इस घर की फर्द और इस नाते तुम पर बहुत सी जिम्मेदारियां आ गई। मैं चाहूंगा कि तुम अपने अच्छे रवैये से, अपने अच्छे अखलाक से मेरे घर वालों का दिल जीतो। और यकीन करो, मैं समझ सकता हूं कि एक लड़की के लिए उसकी शादी का पहला दिन कितना अहम होता है। अगर उसकी खुशी इस तरह दूसरों के हालात की वजह से जाया हो जाए तो उसका गम बहुत ज्यादा होगा। तुम्हारे ये मसले और रिश्तों के दुख मेरी जिंदगी का ये हसीन वक्त खा गए। क्या हुआ तुम्हें, क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। तुम खुश तो हो ना? जी। बस करो सितारा, सारा वक्त चंदा की रट लगाई हुई है तुमने। जो रट मैं आपके सामने लगा रही हूँ ये सच है और ये भाई तक पहुंचनी चाहिए। अगर आप नहीं पहुंचाएंगी तो मैं पहुंचा दूंगी। खुदा के लिए बस कर दो, 4 दिन की जिंदगी रह गई मेरी, वो भी मुझे सुकून से गुजारने नहीं दे रहे, मैं थक गई हूं। इतनी छोटी नहीं हूं कि देख ना सकूं आपकी तकलीफें, हसीयतें, कुर्बानियां सब समझती हूं। इसी तरह चाहती हूं कि भाई भी समझे, जिस तरह से वो आपके बेटे हैं, आपके औलाद हैं, आप भी आपके बेटे हैं। तुम्हारे अब्बू कहते थे चंदा मर गई हमारे लिए, वो अगर आज जिंदा होते तो भाई की हरकत पर भी यही कहते, उनसे भी रिश्ता तोड़ देते, उन्हें भी घर से निकाल देते। सितारा मत कहा करो ये सब कुछ, कहीं तुम्हारे भाई ने सुन लिया तो भी अब तुम्हारे और जैन के सर की छत,
वही तुम्हारा सहारा है। खुदा ना खास्ता अगर वो नाराज हो गया तो हो सकता है घर छोड़ के चला जाए। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन सब कुछ ठीक हो जाए। क्या सोच रही हैं आप? सितारा, भाई के लिए नाश्ता ले आओ। मेरा मुट्ठी नहीं अभी। नहीं, वो चारी तो सारी रात सोई नहीं, अब ज्यादा शर्मिंदा थी। उसे कह दो शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मी, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि शादी के बाद मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाऊं? जो होना होता है खुद ब खुद हो जाता है। अल्लाह ने इंसान को सिर्फ अपना मोहताज बनाया है, दूसरे बंदों का नहीं। वो चाहे तो नेक औलाद दे के जिंदगी खुशियों से भर देता है, और अगर चाहे तो नाफरमान औलाद देकर माँ बाप की आजमाइश सख्त कर देता है। चलिए नाश्ता लाती हूँ। आखिर मसला क्या है तुम्हारा? नाश्ते पे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आती क्यों नहीं हो नीचे, बैठती क्यों नहीं हो सबके साथ? मुझे भूख नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से। तुम आ गए हो तुम्हारी इन हरकतों से, आखिर चाहती क्या हो तुम? क्या कमी है इस घर में कि तुम अपने आप से क्यों नहीं पूछते? क्या पूछू बताओ, क्या पूछू? कल 40वां था आपको, तुम जानते थे कि मैं वहां नहीं जा सकती तुम्हारी वजह से। तुम्हें मेरे पास होना चाहिए था, टाइम देना चाहिए था, लेकिन तुम नहीं आए। पूरी रात तुम्हारा इंतजार किया, तुम्हें फोन किया, तुमने मुझसे बात तक नहीं की, और कहते हो कि क्या हो गया। तो क्या करता है यार, अगर एक रात अपनी माँ के पास सो गया तो कौन सी कयामत आ गई? कोई कयामत नहीं आ गई, तुम्हें कभी मना नहीं किया। तुम बातें करो, सो, पूरा दिन गुजारो अपनी अम्मी के साथ, लेकिन कल अब्बू का 40वां था, तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था, क्योंकि तुम और तुम्हारी फैमिली की वजह से मैं वहां नहीं जा सकती थी, और नहीं गई ना मैं वहां, और तुम भी नहीं आए। बेहिस हो तुम बहुत बदल गए हो शाह, जो थे वो नहीं रहे अब। बस बस, तुम मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान मत देना। अगर इस घर में रहना है ना तो इस घर के उसूलों के मुताबिक रहना होगा तुम्हें। फैसला तुम पर है। रिश्ते बुनते हुए अक्स चुनते हुए चंद से शीशा गिरा रेजा रेजा हुआ दिल था खाना बदोश कब उसे घर मिला एक तकदीर इरम, आओ बैठो हमारे पास। कैसा लगा घर? जी आंटी, बहुत अच्छा। देखो तुम भी सितारा की तरह मेरी बेटी हो, मुझे अम्मी कहा करो। जी अम्मी।
घर में कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं। सितारा बात करो ना कुछ भाभी से, नई नई आई है, परेशान होगी, थोड़ी दोस्ती करो। इसका बुरा नहीं मनाना, दरअसल सब कुछ नया नया हुआ है तो उसे भी अजीब लग रहा है, थोड़े अरसे बाद घुल मिल जाएगी। दरअसल जिस तरह तुम दोनों की शादी हुई है और ऐसे तुम आई हो, किसी को भी अच्छा नहीं लगा है, लेकिन वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। जो हो चुका है, जो गुजर गया, उसको भूल जाओ, नए सिरे से अपनी जिंदगी यहाँ बनाओ, ये तुम्हारा घर है। मैं पूरी कोशिश करूंगी। अब तो मेरी बहू नहीं मेरी बेटी हो, जो भी मसला हो, कोई भी तकलीफ हो, माँ समझ के मुझे बताना, झिझकना नहीं। चलो जाके मुँह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। उमर, उमर ये सब क्या, बाहर बार दुकान भी उल्टी हुई और ये कारखाने में भी क्या हुआ है? इतने ना समझ ना बनो, तुम अच्छी तरह जानते हो ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। उमर तुम क्या कहना चाह रहे हो, खुलकर बात करो यार। इरम कहाँ है? इरम, इरम मेरे घर। तुम जानते हो एक लड़की को, एक पराई लड़की को अपने घर, पराई नहीं है वो, निकाह कर लिया मैंने उससे, बीवी है वो मेरी। निकाह कर लिया? बाबर तुम पागल हो गए हो। उमर मेरी बात समझने की कोशिश करो यार, बहुत मुश्किल में थी, खुदकुशी करने जा रही थी, मैंने तो उसकी जिंदगी बचाने के लिए ये सब किया। ये मत भूलो बाबर, वो यहाँ काम करती थी और किसी भी ऊंच नीच की जिम्मेदारी मुझ पर थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि तुमने एक लड़की को भगा कर शादी की है यार। आज जिंदगी में पहली बार मुझे मार्केट में इतना जलील किया गया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, और सिर्फ तुम्हारी वजह से इरम के घर वालों ने मेरी ये हालत की है। I'm sorry, यार। इससे पहले कि उनके घर वाले दोबारा यहाँ पर आए और कोई भी खून खराबा हो, तुम चले जाओ। और मेरी बात समझने की कोशिश तो करो यार, एक तो सुनो तो सही यार। कहा ना जाओ यहाँ से, अपनी बहन के बारे में तो बड़े गैरतमंद बनते थे, लोगों की जबान खींच। बस मेरी बहन के बारे में अपनी जुबान से एक लफ्ज भी निकाला ना तो बहुत बुरा होगा। देखो बाबा, खुदा के वास्ते यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। इसके बाद तुम जानो, इरम के घर वाले जाने, मुझे माफ करो। सलाम अलैकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम, सब खैर तो है, आज इतनी जल्दी आ गए? बस अबू, खबर ही कुछ ऐसी है कि दौड़ा चला आया। कहीं तुम भी निकाह करके तो नहीं आ गए? हद करते हैं अबू आप भी, क्या आपको आपका बेटा ऐसा लगता है? अरे भाई, आजकल की नस्ल से कुछ भी तवक्को की जा सकती है, किस वक्त क्या गुल खिला दे कुछ पता नहीं चलता। खैर तुम बताओ क्या खुशी की खबर? अबू दुबई से ईमेल आई है कि मुझे जॉब के लिए फिर सिलेक्ट कर लिया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की खबर है भाई, मुबारक हो तुझे, बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह, मुझे पता था मेरा बच्चा पढ़ाई काबिल है। बस अबू आपकी दुआओं का असर है सारा। अरे मेरी सारी दुआएं अपने बेटे के लिए है, अब देखना कहीं ऐसा ना हो कि दुबई की रंगीनियों में अपने गरीब बाप को भूल ही जाए। कैसी बातें करते हैं वो, ऐसा भला हो सकता है कभी? कब जाना? जाना तो इसी हफ्ते में। अरे इतनी जल्दी? बस दो तीन दिन में वीजा वगैरह लग जाएगा तो बस फौरन रवाना होना है। अच्छा भाई, अब सच्ची बात तो ये है कि तेरे बगैर ये घर तो बिल्कुल वीरान हो जाएगा। वो आपके लिए और इस घर के लिए तो सब कुछ कह रहा हूँ, बस आप उदास ना हो। खैर से जा, मैं दुआ करूंगा कि तू जल्द से जल्द सेट हो जा।
सेट होने के बाद फौरन अपने बाप को बुलाना, भाई तेरे बगैर मैं इस घर में अकेला क्या करूंगा। वो आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह जल्द ही आपको भी बुला लूंगा। चल ये ले, मुंह मीठा कर बिस्किट से। हाँ सितारा, अब नाराज हो मुझसे? आपको ऐसा क्यों लगा? नोटिस कर रही हूं, जब से मैं इस घर में आई हूं तुम कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चलो, खाना बनाने में तुम्हारी मदद कर देती हूँ। नहीं उसकी जरूरत नहीं है, आप आराम करें। अच्छा खैर ये तो बताओ, बाबर को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? हैरत की बात है, आपने भाई से शादी भी कर ली और आपको ये तक नहीं पता कि भाई को खाने में क्या पसंद है। दरअसल वो सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे कुछ जानने का मौका ही नहीं मिला। बाकी सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला। एक तरफ अब्बू के लिए कुरान खानी, दूसरी तरफ उनके बेटे की शादी। सितारा। हाय अम्मी। ये कपड़े किसने दिए? कुछ पूछ रही हूं तुमसे, जवाब क्यों नहीं देती हो? तुमसे अब तक ये चार कपड़े नहीं धोले? ये चादरें भी धोनी और इन्हें सफेद कपड़ों में मिक्स मत होने देना। अम्मी बहुत दर्द हो रहा है, ये चादरें बाद में धो दूंगी, अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। किला फतह कर लिया है तुमने, चार कपड़े ही तो धोए हैं। आपको रहम नहीं आता मुझ पर? ऐसी हालत में इतनी भारी चादरें धोऊंगी, तबीयत और खराब हो जाएगी। अनोखी बात नहीं है चंदा, इस हालत में सारी औरतें घर के काम करती हैं। करती हैं, बिल्कुल करती हूँ, मैं कर तो रही हूँ, लेकिन तबीयत ठीक नहीं है, दर्द हो रहा है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये चादरें बाद में धो दूंगी। मुझे कुछ नहीं सुनना, ये सारे कपड़े आज धुलने चाहिए बस। किस बात का बदला ले रही है मुझसे? क्यों कर रही है ऐसा? कितनी दफा तुमसे कहा है, आवाज नीचे, मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना। ये मेरा घर है, तुम्हारे बाप का नहीं। और मैं कितनी बार कह चुकी हूं आपसे, मेरे मरे हुए बाप को बीच में मत लेकर आया करें। समझ नहीं आती आपको एक बात? गलती मेरी है ना, मैं काम नहीं करी ना, मुझे कहें जो कहना है। आइंदा अगर उनके लिए कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम मुझसे सवाल लड़ोगी, मुझे धमकी दोगी? धमकी नहीं दे रही, वार्न कर रही। मेरे बाप को अगर कुछ कहेंगी ना तो मैं कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं खामोश रहती हूँ, कुछ नहीं बोलती, उसको मेरी कमजोरी मत समझिएगा आप। बदतमीजी करनी मुझे भी अच्छी तरह आती है, आइंदा गलती से भी मेरे अब्बू को कुछ मत कहिएगा। शराफत से रह रही हूँ ना इस घर में, मुझे रहने दे, समझी आप? उस लड़की, तुम्हारी इतनी जुर्रत, सामने सौ बार तौबा करवाऊंगी मैं। मुझे निशान डाले है ना, अब देखो, अब देखो तुम्हारे साथ करती क्या। बर्बाद कर दूंगी तुम्हें, तबाओ बर्बाद।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत, इतनी जल्दी क्यों आ गए? जी जी खैरियत ही है, वो काम खत्म हो गया था तो मैंने सोचा घर चला। परेशान क्यों लग रहे? परेशान तो नहीं, वो तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, सर दर्द हो रहा था बहुत, तो बस जा रहा हूँ। दिन रात काम में लगे रहते हो, ख्याल रखा करो और मैं तुम्हारी मालिश करूँ। नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं, मैं दवाई ले लूंगा ठीक हो जाएगा। याद से खा लेना और वापस काम पे जाने की जरूरत नहीं है, कमरे में आराम करो। मैं चाय भिजवाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं सोने लगा हूँ। ये क्या छुपा रहा है मुझसे? इतना निकम्मा कब से हो चुका है तू? अभी तक उसके घर का पता नहीं लगा सका, आज की तारीख में मुझे उन दोनों का पता लगना चाहिए, समझा? मैं तो कहता हूँ कि उसके दोस्त को फिर एक बार से डोज देकर आते हैं, कैसे नहीं बताएगा पता। जी बाबा, आया आया। बाबर, पानी रखो। कुछ बताएं तो सही, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढते हुए ऑफिस आए थे। क्या? कहीं उन्होंने आपसे तो बदतमीजी नहीं की? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन वहां आकर बहुत शोर शराबा किया, उमर को भी मारा, तो फिलहाल बहुत गुस्से में। उसने मुझसे ये भी कह दिया कि मैं तुम्हारा काम पढ़ना हूं। अब बाबर आप परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेंगे। एक दर बंद हो तो 100 दर और खुलते हैं। आप अपना काम शुरू करें। सब इतना आसान नहीं है। बाबर आसान तो कोई काम नहीं होता, अगर हिम्मत हो और लगन सच्ची हो तो हर काम आसान हो जाता है। सही कहते हैं वैसे, एक बीवी ही अपने शौहर की ढाल होती है। पानी, लेकिन ये ढाल इन लोगों के सामने बहुत कमजोर है, ना जाने क्या तूफान खड़ा होगा जब खोल रहा। दो टके की छोकरी की तेरी हिम्मत, मेरी बीवी की कलाई मरोड़े? छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। आप कहाँ जा रहे हैं? अरे छोटी से पकड़ के बाहर निकालूंगा। कोई जरूरत नहीं है, आप इस तरह जज्बाती होके ना सारा खेल बिगाड़ देंगे। अभी तो मौका मिला है मुझे, आप देखें मेरी सियासत। सियासत? ते मुझे क्यों रोक रही हो, शादी क्या तू? मेरी कलाई पर ये निशान डालकर उसने अपनी बर्बादी के परवाने पर मोहर लगाई है। अब देखें ये निशान क्या कमाल दिखाते हैं। आप ना बस बैठकर तमाशा देखें। नहीं नहीं, आप फोन मत करें उसे, उनका घर बिगड़ जाएगा। जरूरी उससे बात करना, परेशान हो जाएगा आपको तो पता है। मैं बात करता हूँ उससे, मैं फोन करता हूँ उसे। क्या हुआ? अरे बेटा तुम कब आए? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? चंदा तो ठीक है ना? फिर क्या बात? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। कुछ तो है मामा? नहीं कोई कोई बात नहीं। क्या हुआ आपको? ठीक है, कोई कोई बात नहीं। मामा मुझे दिखाएं आपको, मेरी कसम आप दिखाएं मुझे। अरे तुम्हें कैसे हुआ ये? तुम्हारी बीवी चंदा, वो क्या मतलब चंदा? बाबा क्या मतलब चंदा? सास की नोक झोंक कैसे बहाता भाई? चंदा ने किया ये? उसका मतलब नहीं था ऐसा। चंदा, चंदा!
गए तुम? चलो मेरे साथ। कहाँ ले जा रहे हो? चलो। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। चलो मेरे साथ। अरे छोड़ो। चलो तो। छोड़ो मुझे। चलो नहीं। छोड़ो, मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे। चलो नहीं। छोड़ो मुझे। ये क्या हरकत की तुमने? जाकर अपनी मम्मी से क्यों नहीं पूछते? जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ उसका जवाब दो। इसका जवाब बेहतर तुम्हें वही देंगी। मत भूलो चंदा, वो माँ है मेरी। वो चाहे कुछ भी कहे, तुम्हें उनसे बदतमीजी करने का कोई हक नहीं बनता। उन्हें भी मुझसे बदतमीजी करने का कोई हक नहीं है। हर वक्त वो मेरे अम्मी अब्बू को बुरा भला बोलती रहती है। अब्बू तो इस दुनिया में भी नहीं रहे, फिर भी अब्बू को हर बात पर कोसती है, बुरा भला कहती है। तुम समझा दो उन्हें, मैं अपने अब्बू के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। बड़ा कह रही हो तुम? मैं उन्हें समझाऊं? तुम नहीं समझोगी क्या? तुम मेरी बात ही नहीं समझ रहे। बस, माँ है वो मेरी। सोच भी नहीं सकता था कि तुम उनको चोट पहुंचाओगी। मैंने नहीं कुछ किया। उनके साथ माफी मांगो। मैंने कुछ नहीं किया, थप्पड़ उन्होंने मुझे मारा था। मांगोगी तो उन्हें क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? मारोगे मुझे? मारो। बताऊं मैं तुम्हें? मैंने कुछ नहीं किया। बताऊं क्या? मैं चंदा, 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 बाबा गाड़ी निकाले, गाड़ी बाबा जल्दी निकाले गाड़ी। ये क्या हो गया इसको? मामा, मामा, चंदा जल्दी करें।